नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए, जीव अणु के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु प्रोटीन क्या होते हैं, इसे हम संक्षिप्त में जानेंगे। तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू टेक फर्स्ट, अर्थात जीवों की संरचना हेतु आवश्यक पदार्थ के रूप में यदि कोई प्रथम पदार्थ चाहिए तो वह है प्रोटीन। अर्थात जीवों की संरचना के निर्माण हेतु प्रथम पदार्थ के रूप में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू टेक फर्स्ट, अर्थात जीवों के लिए अति आवश्यक पदार्थ। तो कह सकते हैं अर्थात प्रथम या अति आवश्यक है। प्रोटीन उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन यदि रासायनिक संरचना के आधार पर देखें तो उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो चाहे जंतु हो या पादप, जंतु या पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। अर्थात प्रोटीन से ही जंतु तथा पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है, और प्रोटोप्लाज्म के निर्माण से जीवों की कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है और जीवों का निर्माण होता है। अर्थात जीवों की संरचना हेतु आवश्यक पदार्थ के रूप में प्रोटीन है, इसलिए प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू टेक फर्स्ट। यदि इसके रासायनिक संगठन को देखें तो रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एवं अल्प मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। इसे हम रासायनिक संगठन के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप 12th कक्षा की केमिस्ट्री के वीडियो इस प्रकार से देख सके। आगे हम जाने तो रासायनिक रूप से यदि प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के संघनन बहुलक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के संघनन बहुलक होते हैं। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन में कौन कौन से रासायनिक संघटक पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में जाना। थैंक यू।